कल ही न्यूज़ बिहार ने आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखाई थी कि कैसे केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे ने एसडीएम महोदय की क्लास लगा दी थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सबसे ज़्यादा व्यू जो उठा है वो न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पे उठा है, और सबसे ज़्यादा लोगों ने अगर कमेंट करके इस वीडियो को लाइक किया है तो वो है न्यूज़ बिहार और भारत लाइव। इस वीडियो में सबसे बड़ी बात यह है कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जहाँ एसडीएम महोदय नियमों की दुहाई दे रहे हैं, वहीं अश्विनी चौबे अपनी रॉब में हैं और साफ तौर पर यह एहसास करा रहे हैं कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और वो किसी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि बात की जाए तो इस पूरे मामले में हुआ क्या था, हुआ ये था कि एसडीएम महोदय ने अश्विनी चौबे जी के काफिले की कुछ गाड़ियों को रोक लिया था, खासतौर पर कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी को भी रोक लिया था, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और एसडीएम में थोड़ा सा विवाद हो गया, जिसके बाद बाबा सामने आ गए और बाबा ने सामने आते आते ये बातें कह दी कि किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो मेरी गाड़ी को रोक सके। कहा जाता है कि नियमों के कुछ पेशोपेश में कन्फ्यूजन हो गया और एसडीएम महोदय ने इस गाड़ी को पकड़ लिया। हालांकि एसडीएम महोदय को बाद में पता चला कि जब ये गाड़ी अश्विनी चौबे के काफिले की है तब वे थोड़े से नरम हो गए और तब तक बाबा गर्म हो चुके थे और तब तक अश्विनी चौबे ने वो सारी बातें बोल दी जो कि एक जनप्रतिनिधि को नहीं बोलनी चाहिए थी। अश्विनी चौबे ने साफ तौर पे एसडीएम महोदय को हड़का दिया और कहा कि मेरी गाड़ियों को आपने किस आधार पर रोका है। जहां एक तरफ आचार संहिता का हवाला दे रहे थे एसडीएम, वहीं अपने कद और वर्चस्व को लेकर अश्विनी चौबे ने साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रेशर डाला एसडीएम के ऊपर। हालांकि बाद में मामला ठंडा हो गया, दोनों तरफ से सुलह की बातें होने लगी और गाड़ियों को के काफिले को रोका नहीं गया, जाने दिया गया। मगर अब कहा जा रहा है कि एसडीएम महोदय बाबा के इस हरकत पर, बाबा के इस गुस्से को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब उसके ऊपर एक आरोप लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बात की जाए अश्विनी चौबे का भी गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है, उन्होंने भी इस मामले को हल्के में लेने का नहीं सोचा है, वो भी आगे चल के इसका कंप्लेन करने जा रहे हैं। वहीं बात की जाए तो अब ये मुद्दा बिहार की राजनीति में हॉटकेक बन गया है। सभी को पता है कि बाबा को गुस्सा आता है, मगर बाबा का गुस्सा कई बार भाजपा के लिए जी का जंजाल बन जाता है। ये मौका मिल गया है तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव ने बाबा की क्लास लगा दी है और ट्विटर पर बाबा को कहा है, बाबा थोड़े कूल रहिए, थोड़े ठंडे रहिए, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है और चुनाव हारने का जो दंश है वो आपके चेहरे पर साफ तौर पर दिख रहा है। क्या क्या लिखा तेजस्वी यादव ने ये भी हमको बताते हैं। तनिक माथा ठंडा रखिए चौबे जी, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें के माध्यम से क्या तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। तनिक माथा ठंडा रखिए चौबे जी, नहीं तो माइंड वा ब्लास्ट हो जाएगा, हार देख अभी से पैनिक हो गए, अभी तो मई बाकी है, मतलब मई में चुनाव है और मई में चुनाव बाबा का भी है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बाबा के ऊपर एक हमला कर दिया है, बाबा यानी कि अश्विनी चौबे इनके ऊपर जबरदस्त हमला कर दिया है ट्विटर पर, और साथ में वो वीडियो भी शेयर किया है जिस वीडियो में अश्विनी चौबे ने एसडीएम को पूरी तरह से हड़का दिया था। अब लास्ट में उन्होंने लिखा है कंट्रोल बाबा कंट्रोल, मतलब कि सीधे तौर पर कहा जाए तो अश्विनी चौबे को कह रहे हैं कि वो पैनिक हो गए हैं, हार अवश्यंभावी लग रही है एनडीए की, जिसको लेकर अश्विनी चौबे कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं और जब उनको कोई कुछ भी बोलता है तो वो खफा रहते हैं, गुस्सा रहते हैं और गुस्से में कई बार मर्यादा लांघ जा रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने क्यों हमला किया अश्विनी चौबे पर, क्योंकि बीते दिनों ये खबर आ रही थी कि भाजपा के कई नेताओं का, कई सिटिंग सांसदों का टिकट कट सकता है, जिसमें से एक अश्विनी चौबे का भी नाम चल रहा था। मगर कहा जाता है कि अश्विनी चौबे ने बक्सर के लिए जो अच्छे कार्य किए हैं, जिस तरह से लगातार प्रेशर डालकर बक्सर के लिए कई बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को उन्होंने लाया है, क्षेत्र की जनता में उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है और खास तौर पर कहा जाए तो कई केंद्रीय मंत्रियों ने इनकी पैरोकारी की है कि बक्सर से इन्हें भागलपुर ना भेजा जाए, इन्हें बक्सर में रखा जाए। कहा जाता है कि चौसासी की परियोजना हो या फिर स्वास्थ्य शिविर या फिर कई ट्रेनों का बक्सर में रोकना, इन्होंने वो सारे काम किए हैं जिसकी वजह से बक्सर की जनता को इनके प्रति कहीं ना कहीं अब सम्मान और स्नेह बढ़ गया है। हालांकि अश्विनी चौबे के बारे में भी कहा जाता है कि वो बक्सर छोड़ना नहीं चाहते हैं, हालांकि वो भागलपुर के हैं ओरिजिनली, मगर बक्सर से उनके ऐसी लगाव हो गया है जिसकी वजह से वो बक्सर छोड़ना नहीं चाहते थे। इसको लेकर उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को ये बातें कह भी दी थी कि अगर मेरा टिकट काटा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। गिरिराज सिंह की तरह ये भी खफा हो सकते थे, मगर खफा होने का मौका इनको नहीं दिया गया, शीर्ष नेतृत्व इनको बक्सर में ही रोक दिया और बक्सर से ये मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके खिलाफ वहां से चुनाव लड़ेंगे जगदानंद सिंह और आरजेडी के वो हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक मौका मिल गया, आरजेडी को एक मौका मिल गया
कि चुनाव से पहले एक बार बाबा को बैकफुट पर भेज दिया जाए, मगर बाबा अपने शान के शौकीन हैं, वो अपने काफिले के लिए और अपने लोगों के लिए लगातार खफा होते रहते हैं और उनका गुस्सा तो वैसे भी फेमस है। न्यूज़ बिहार पर इस तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। गाड़ियाँ ये जो यहाँ खड़ी थी किला मैदान में, काफिले की गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं हमारे पास फोटोग्राफी हुई है और सभी गाड़ियों पर प्राथमिकी दर्ज करके पूछिए तो ये बैठक में गाड़ी ये जो काफिले में गाड़ियाँ थी उसमें ये पता चला कि 30-40 गाड़ियाँ थी, वो उनके ऊपर एफ आई आर। सांसद ने शब्द का प्रयोग किया, लगता है कि लोकतंत्र उस शब्द के लिए कहीं जगह है आज? सांसद ने क्या शब्द का प्रयोग किया वो उनका कंसर्न है, हम लोग अपना काम करें। उनकी गाड़ी पर भी प्राथमिकी होगी, उनकी गाड़ी अंदर जो काफिले में थी सबकी गाड़ी प्राथमिकी होगी। बात है कि युवा बढ़ चढ़ करके वोट करें राष्ट्रीय हित में, और दूसरा आपने ठीक कहा कि हम आपके हैं और आपके रहेंगे। भाई मैं तो आज चौकीदार की भूमिका में, मैं भी प्रथम चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मैं भी चौकीदार हूँ। इस भूमिका से मैं आपको कह सकता हूँ जो भी पारा लगाया वो आपके लिए लगाया, अच्छा हूँ बुरा हूँ आपका हूँ आपके दिल का भी, कोई अच्छा बेटा होगा या कोई बुरा भी होगा तो क्या बेटे को काट देते हो, बेटे को माफ करते हो? अगर मेरे में कोई बुराई होगा मुझे माफ करो, अच्छाई होगा तो तीन बात करना, तीन ही बात करना, वो तीन बात कौन कौन? जो अच्छाई हम में हो, जो अच्छाई प्रधानमंत्री में हो, बड़े चौकीदार पहरेदार और छोटे पहरेदार, तीन ही बात करना है। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार मोदी सरकार, अब 400 से बार, अब की बार 400 से बार, अब की बार 400 से बार, और बक्सर में 2 लाख से, बक्सर में 2 लाख से बार। और चिंता मत करिए, और मोदी है नामुमकिन है, मोदी है मोदी है मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा बचाओ भारत को, युवा भारत का एक सपना है, युवा भारत हमें बनाना है, एक नया भारत, न्यू इंडिया। आइए हम सभी इस नए भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हो जाएं। आज विजय संकल्प सम्मेलन के इस विधानसभा क्षेत्र के बक्सर के इस सम्मेलन में जो संकल्प लिया है, युवाओं का आह्वान करते हैं, युवा बचाओ अपना देश, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकास युक्त भारत, समाज की समरसता मूलक भारत, और इस भारत के लिए 21वीं शताब्दी का भारत, युवा भारत बनेगा, यही संकल्प लेकर के चुनाव के अंदर वंशवाद बना, राष्ट्रवाद को प्रकट करना भारत माता की। बाबा एनडीए ठीक ठाक से नहीं चल रहा है, ये गाड़ियों को जब्त करने का है, आपको जब्त करने का है तो गाड़ी में भी है, जब्त नहीं कर सकते। चलो बढ़ाओ।